वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल रिपेयर सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं LG सिंगल डोर फ्रिज के बारे में। LG इन्वर्टर फ्रिज में आप ये देखिएगा, इसका स्पेसिफिकेशन सारा दिया हुआ है। 200 लीटर का फ्रिज है, 4 स्टार रेटिंग है। और इसमें जो इशू है वो नो कूलिंग का इशू है, सिंगल डोर फ्रिज LG। और इसमें जो कंपनी ने गैस रिफिल करी हुई है, R600A गैस रिफिल करी हुई है। और ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी फ्रिज है और इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर लगा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी को ठीक करके दिखाएंगे। ये देखिएगा, बाहर कंडेंसर लगाया हुआ कंपनी में। और ये इसका ड्रायर फिल्टर है, यहाँ पर देखिएगा आप ऑयल आया हुआ काफ़ी वैक्यूम वाले पाइप पे इसके फिल्टर के। तो यहीं से हमें डाउट है इसमें कि सारी लीकेज यहीं से हुई है गैस। तो इसके लिए हम इसका फिल्टर भी रिप्लेस करेंगे और आपको दिखाएंगे फिल्टर को किस तरीके से रिप्लेस करते हैं। तो ये इसका बैक साइड में लेफ्ट हैंड में कवर लगा हुआ है, जिसके अंदर इस कंप्रेसर को चलाने के लिए PCB लगी हुई है, इन्वर्टर कंप्रेसर को चलाने के लिए। तो सबसे पहले इसका हम जो है ड्रेन ट्रे कवर खोलेंगे। ड्रेन ट्रे कवर खोलने के बाद उस कवर को हम यहाँ से हटा कर बाहर कर देंगे, क्योंकि वेल्डिंग करते टाइम ड्रेन ट्रे कवर मेल्ट ना हो, तो इसके लिए हमें इसे हटाना ही पड़ेगा यहाँ से, और हमें वेल्डिंग करने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो अब इसका जो है ये PCB जो यहाँ पर लगी हुई है, इसे भी हमें यहाँ से हटाना है और इसको भी खोलना है। तो सबसे पहले ये मेन लीड जो कसी हुई है, मेन लीड 2 स्क्रू से कसी हुई है, तो मेन लीड को खोल लेते हैं। मेन लीड खोलने के बाद ये बॉक्स के ऊपर एक स्क्रू लगा हुआ है, उसे भी खोलना है हमें। तो ये मेन लीड हमने यहाँ से खोल दी, और मेन लीड खोलने के बाद अब ये जो इसमें ऊपर स्क्रू है इसे भी खोलना है हमें। तो इस स्क्रू को खोलने के बाद जो हम ये बॉक्स है पूरा, इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये हमारा PCB का बॉक्स बाहर आ जाएगा इसमें। तो PCB का बॉक्स बेसिकली हम इसलिए खोल रहे हैं कि हम चेक कर सकें कि कंप्रेसर सही चला रही है PCB या नहीं चला रही है। तो इसके लिए हमें इसको बॉक्स को खोल कर बाहर निकालना है, जिससे कि हम कन्फर्म हो जाएंगे कि PCB भी ठीक है और कंप्रेसर भी ठीक है। ओनली गैस रिफिलिंग का ही हमें काम करना पड़ेगा। तो इसकी कन्फर्मेशन के लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा, तो आइए खोलते हैं इसको। तो इसमें बॉक्स में 2 स्क्रू लगे हुए हैं, एक नीचे की तरफ लगा हुआ है, एक ऊपर की तरफ लगा हुआ है। तो इस बॉक्स को खोलते हैं। इस बॉक्स को खोलने के बाद आप देखेंगे इसमें ये इन्वर्टर कंप्रेसर चलाने वाली PCB ये लगी हुई है। तो हमारा खोलने का मकसद इसे यही है कि हम टेस्ट कर सकें कि PCB सही है और कंप्रेसर सही है। तो ये हमने प्लग इन करा यहाँ पर, और ये इसमें एक ग्रीन कलर की LED ब्लिंक हुई और ये बंद हो गई। इसका मतलब ये कार्ड के अंदर सप्लाई आ गई और इसमें और कोई ब्लिंक नहीं आया, तो इसका मतलब कार्ड में प्रॉब्लम अभी तो नहीं है फिलहाल। और 7 मिनट का हमें वेट करना पड़ेगा, 7 मिनट बाद ये कंप्रेसर से PCB सप्लाई छोड़ देगी। तो 7 मिनट बाद कंप्रेसर ऑन होगा इसका। तो कंप्रेसर इसका ऑन होगा तो हम इसको यहाँ से आउट कर देंगे। ये हमने आउट कर दिया, कंप्रेसर इसका ऑन हो चुका था। तो 7 मिनट बाद हमने इसको चेक करा, कंप्रेसर इसका चालू हो गया था। तो अब हम इसका फिल्टर खोलेंगे, यहाँ से फिल्टर ड्रायर, क्योंकि हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले जहाँ पर ये कसा हुआ है इसको वहाँ से स्क्रू खोल लेते हैं, और इसको बाहर की तरफ हम मूव कर लेंगे, ताकि जिससे कि हमें वेल्डिंग करने में आसानी हो और नया फिल्टर लगाने में आसानी हो। ये जो पाइप है ये एल्युमिनियम का पाइप नहीं है, ये लोहे का ही पाइप है। कई बार कोई कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से टेक्नीशियन की, ये कहीं एल्युमिनियम का पाइप तो नहीं है, देखने में एल्युमिनियम का लगता है पर लेकिन ये लोहे का पाइप है। तो ये आप इस चीज़ से कभी ना घबराएं, ये लोहे का ही पाइप है इसमें लगा हुआ। तो आइए कैपलर इसकी कट कर लेते हैं यहाँ से। कैपलर हमने कट कर ली। अब इसका जो ड्रायर फिल्टर है यहाँ पर, इसे भी हम ट्यूब कटर से काट लेते हैं। ट्यूब कटर से काटने के बाद हम इसका यहाँ से फिल्टर अलग कर देंगे और यहाँ पर इसके जगह पर हम नया फिल्टर लगाएंगे। तो ये हमने यहाँ से हटाकर अलग कर दिया। हमने देखा यहाँ पर कोई ऑयल वगैरह भी नहीं है फिल्टर में इतना ज़्यादा, बस ये थोड़ा सा यहाँ पर ही वैक्यूम वाले पॉइंट पे आया हुआ है, बाकी कंडेंसर इसके साफ़ हैं दोनों। तो ये हमने हटाकर अलग कर दिया, सारी लीकेज यहीं से होंगी। तो हम नया फिल्टर इसमें रिप्लेस करेंगे। तो
बने रहिएगा वीडियो में और देखते रहिए। हम दूसरा फिल्टर लेकर आए हैं और इसे हम यहाँ पर एक 316 का पाइप और एक क्वार्टर का पाइप लगा के इसमें जॉइंट कर देंगे फिल्टर के अंदर, जिससे कि हमें ये कंडेंसर में लगाने में बड़ी आसानी होती है। और ये हम ब्रेजिंग जो करते हैं इसकी 316 के पाइप पर, क्वार्टर के पाइप की, इसमें आसानी से हो जाती है और सॉलिड वेल्डिंग होती है एकदम मजबूत। तो इसको हम बाहर ही यहाँ पर पूरा बना लेंगे टायर को। ये हमने दोनों साइड से इसको वेल्डिंग कर देना है, आगे से पीछे से। तो इस तरीके से आप भी टायर अगर बाहर बनाएंगे तो कंडेंसर में लगाने में बड़ी ही आसानी होती है और कंडेंसर में आसानी से लग जाता है ड्रायर। तो ये हमारा ड्रायर बन चुका है। अब हम इसे इस फ्रिज के कंडेंसर में लगाएंगे, जहाँ से हमने पुराना वाला टायर हटाया था सेम उसी जगह पर हम इसे लगाएंगे। तो हमारी वेल्डिंग देखिएगा कितनी सही हुई है। और इसको लगाते हैं ऊपर यहाँ पर। जहाँ से पुराना टायर हटाया था वहाँ पर हमने इसको फिट करा है। और यहाँ पर ये जो रबड़ लगी हुई है इसकी सपोर्ट के लिए, पाइप की सपोर्ट के लिए, यहाँ पर एक स्क्रू लगा है, इसे भी खोलना है हमें। इसे इसलिए खोलना है कि जब हम ब्रेजिंग करेंगे तो कहीं ये रबड़ मेल्ट ना हो जाए, इसलिए हमने इसको भी खोल कर नीचे की तरफ रख दिया है। और ये चार्जिंग का पाइप हमें तोड़ना पड़ेगा। चार्जिंग का पाइप तोड़ के हमें यहाँ पर नया चार्जिंग का पाइप लगाना है। तो हमने इसको ग्लास से तोड़ दिया इतना। अब इसको इसकी जगह पे हम यहाँ पर नया पाइप लगाएंगे। तो ये हम नया पाइप, पहले इसको पुराने वाले पाइप को बाहर निकाल लेते हैं और फिर हम यहाँ पर नया पाइप लगाएंगे। कभी भी आप अगर इन्वर्टर फ्रिज में या R600A फ्रिज में गैस रिफिलिंग का काम करने जा रहे हैं तो हमेशा सिस्टम को पूरा खाली कर लें पहले, जिससे कि जो फ्लेमेबल गैस है R600A वो एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाए। और मतलब जो ये हार्मफुल तो है, ये एकदम से पाक पकड़ती है R600A गैस। तो इसलिए आप पहले सिस्टम को पूरा खाली कर लें और हमेशा जो काम करें आप खुली जगह पर ही करें, जहाँ पर वेंटिलेशन पूरे तरीके से। तो ये हम यहाँ पर पुराना पाइप हमने निकाल दिया और अब इसकी जगह पर हम नया पाइप चार्जिंग का लगाएंगे। चार्जिंग का पाइप यहाँ पर वेल्ड कर रहे हैं। पाइप को इतना अंदर करें कि मतलब वो ब्लॉक ना हो, टांका लगाते टाइम आपका बिल्कुल भी, और टांका भी पक्का लग जाए। तो लगाते हैं इसको चार्जिंग के पाइप को। वेल्डिंग रॉड को अगर एल बना के लगाएंगे बैक साइड में तो इससे पीछे की तरफ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो टांका आगे पीछे पूरा घूम जाएगा और आपको उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा टाका एकदम सही लगेगा। वेल्डिंग रॉड आप पीछे की तरफ से लगाएं तो आगे की तरफ आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे से तो आपको सारा दिख ही रहा है कि सही लग रहा है टाँका। मेन तो पीछे का बैक साइड का होता है। तो ये हमारा टाँका आगे पीछे दोनों तरफ से पूरा पक्का लग चुका है। आइए इसकी कैपिलरी को वायर कटर से कट करते हैं। तो हमने इसकी कैपिलरी को कट करा इसको, और कट करने के बाद इसका होल ज़रूर चेक करें कि होल इसका खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ प्रॉपर। तो इसका होल खुला हुआ है, बाकी आप इसको सक करके भी देख सकते हैं इसमें यार ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इसका होल तो हमें खुला हुआ है, लगा है एकदम। अब इसको हम रेती से यहाँ से रब कर लेंगे। रेती से रब करने का कारण यह है कि ये जो वेल्डिंग करेंगे वो यहाँ से अच्छे तरीके से पकड़ लेगा कैपिलरी। तो हमने इसको कैपिलरी को रब कर लिया रेती से। ये कैपिलरी हमने रब कर लिया और ये अब हम इसको ड्रायर में लगाएंगे। तो ड्रायर में लगाने से पहले कैपिलरी को हल्का सा ऊपर की तरफ को मूव कर लें, जिससे कि ये फिल्टर में जाने के बाद या ड्रायर में जाने के बाद ब्लॉक ना हो, ऊपर की तरफ चली जाएगी कैपिलरी अंदर। तो अब आप वेल्डिंग करेंगे तो इससे कैपिलरी का मुंह जो है ब्लॉक नहीं होगा। कई बार वेल्डिंग करते टाइम कैपिलरी वगैरह ब्लॉक हो जाती है, जिससे भी प्रॉब्लम आ जाती है, गैस चॉकिंग की दिक्कत होती है। तो इसलिए अब ये हमने कैपिलरी का मुंह ऊपर करा है तो, और ये यहाँ पर इसका जो है कैपिलरी ब्रेजिंग कर देंगे तो ये कैपिलरी का मुंह पूरा खुला रहेगा अंदर से फिल्टर के। तो जिससे कि हमें जो है टांका ब्लॉक होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो हमने इसका कैपिलरी का मुंह यहाँ पर
ग्लेजिंग कर दिया है। कैपलरी पे हीट आप कम से कम मारें, ज़्यादा हीट ड्रायर पे मारें, क्योंकि कैपलरी पे अगर ज़्यादा हीट मारेंगे तो वो मेल्ट कई बार हो जाती है ज़्यादा हीट से। तो हमारा टांका लग के तैयार है ये वाला। अब इसका जो है पाइप को बाहर खींच लेंगे हल्का सा, जिससे कि कैबिनेट पे आग ना जाए। और आइए इसे भी ब्रेजिंग करते हैं। इसको ब्रेजिंग करने के लिए हमें फ्लक्स की ज़रूरत पड़ेगी। कॉपर टू कॉपर को हमें फ्लक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कॉपर टू आयरन हमें फ्लक्स की ज़रूरत पड़ेगी जोड़ने के लिए। तो इसको हम फ्लक्स के द्वारा ही लगाएंगे। हमने इससे फ्लक्स लगा दिया। फ्लक्स आप लोहे पे ज़्यादा लगाएं, क्योंकि कॉपर पे तो आपको फ्लक्स लगाने की जरूरत नहीं, लोहे को ही आपको फ्लक्स लगाना है। तो ये फ्लक्स पूरा ऊपर से नीचे तक घुमा दे लोहे के पाइप पे, जिससे कि ये टांका एकदम सॉलिड लग जाएगा, मजबूत लग जाएगा और यहाँ से लीकेज की संभावना बहुत कम रहेगी। तो ये हमारा ड्रायर का टांका भी लग के तैयार हो चुका है। आइए दिखाते हैं आपको कैसा लगा। देखिए बिल्कुल एकदम सॉलिड टांका लगा है और ये पूरा ड्रायर एकदम सही है, इसमें लीकेज होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। तरीके से आप अब हम इसमें कपलर लगाएंगे चार्जिंग के लिए, चार्जिंग के पाइप में। तो कपलर लगाते हैं और कपलर की कैप हमारी थोड़ा सा खुल गई, इसको भी इसका तो उसको भी ऐसे लगा देंगे। अब हम इसमें फ्रिज को ऑन कर देते हैं। हमने फ्रिज ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद हमें 7 मिनट वेट करना पड़ेगा इसमें। 7 मिनट के बाद ही कंप्रेसर ऑन होगा। तो 7 मिनट इंतज़ार करने के बाद अब हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया है। हमारा कंप्रेसर ऑन हो चुका है और अब इसको वैक्यूम कर रहे हैं अपने फ्रिज को, कंप्रेसर को सॉरी। तो कंप्रेसर से वैक्यूम हो रहा है, ये सेल्फ वैक्यूम। ये एक एंटी चॉक है, ये हमें चार्जिंग लाइन में डालना है। एंटी चॉक को हम इसको चार्जिंग लाइन में डाल देते हैं। एक फ्रिज में एक एंटी चॉक काफ़ी रहता है। एक फ्रिज की गैस चार्जिंग में एक एंटी चॉक ही सफिशेंट है। तो हमने एक एंटी चॉक चार्जिंग लाइन में डाल दिया, जिसको हम अपने कपलर से लगाएंगे। कपलर में लगाने के बाद इसको अब जो हमारे पास ये वेट मशीन है, इससे हम गैस का वेट करेंगे अपनी। आज 600 गैस है ये, तो ये हमेशा वेट करके ही डालें, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने इसका वेट कर लिया और अब इसको हम चार्जिंग लाइन से फ्रिज के सिस्टम में भेज देंगे। तो ये सारे जो इसमें कितनी गैस डालनी है, सारा कुछ फ्रिज के ऊपर लिखा होता है। कभी भी यार गैस रिफिलिंग करें तो फ्रिज के मॉडल के हिसाब से ही उसमें गैस रिफिलिंग करें। तो ये वैक्यूम का जो पाइप है, हमें इसे ब्रेजिंग करना है। यहाँ से सारी एयर तो बाहर निकल चुकी है, अब इसमें हम ओनली गैस गैस ही चलेगी। तो वैक्यूम के पाइप से हमने इसको 1 मिनट के आसपास वैक्यूम करा और उसके बाद हम 1 या 1.5 मिनट वैक्यूम करने के बाद हम इसको यहाँ से ब्रेजिंग कर लेंगे। तो जब यहाँ से सारी गैस बाहर एयर बाहर निकल जाएगी, उसके बाद सिस्टम में खाली गैस गैस चलेगी। तो ये हमने इसको यहाँ से ब्रेजिंग कर दिया। अब हम सिस्टम में गैस छोड़ेंगे। इसमें पूरा सिस्टम वैक्यूम हो चुका है और हमारा वैक्यूम का टांका भी सही लग गया। तो हम इसमें गैस रिफिलिंग कर रहे हैं। ये हमने यहाँ से कपलर खोला और कपलर खोलने के बाद हमने इसमें गैस फिल कर दी। गैस कभी भी जब आप फ्रिज में डालेंगे तो कंप्रेसर हमेशा चालू ही रहना चाहिए। अगर चालू नहीं होगा तो कंप्रेसर गैस नहीं खींचेगा, चालू में ही गैस फ्रिज के अंदर जाएगी। तो कंप्रेसर का हमारा चल रहा है और हम इसमें गैस रिफिल कर रहे हैं। तो गैस रिफिलिंग का जो काम है हमारा कंप्लीट हो चुका है इसमें। अब हम इसका वेट कर लेंगे, कितना वेट अंदाजे से हमारा क्या है।
तरीके से हम इसमें जितनी क्वांटिटी थी उस उतनी गैस हमने इसमें रिफ़िल कर दी है। और अब हम इसका जो ड्रायर देख रहे हैं वो ड्रायर पे पूरी हीट आ चुकी है। और अगर ड्रायर पे हीट आ चुकी है तो इसका मतलब कि हमारा सिस्टम सही काम कर रहा है। कंडेंसर भी इसके हीट हो रहे हैं और ड्रायर भी। और अब हम इसमें पंच लगा देंगे और यहाँ से इसको पंच करके चार्जिंग के पाइप को बंद करेंगे। ये हमने पंच लगा दिया यहाँ पर और इसको कपलर को हम यहाँ से पहले चार्जिंग लाइन खोल लेंगे, उसके बाद हम इसको कपलर को भी खोल लेंगे। तो अब जो हमारा चार्जिंग का जो पाइप है यहाँ से इसको हल्का सा लास्ट से दबाएंगे और उसके बाद यहाँ पर इसको हम ब्रेजिंग कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है LG सिंगल डोर इन्वर्टर फ्रिज में R600A की गैस रिफिल कर सकते हैं, जो कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं काम। बाकी अगर नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा किसी से ट्रेनिंग लेके भी कर सकते हैं। तो हम ये चार्जिंग का पाइप हमने यहाँ पर वेल्डिंग कर दिया और अब सिस्टम में जो गैस की गैस है और R600A गैस का जो बैक प्रेशर है वो हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। अगर आप इसमें बैक प्रेशर मीटर लगाएंगे तो ज़ीरो ही शो करेगा। एक्यूरेट गैस डालने के बाद इसमें जो बैक प्रेशर आएगा बैक मीटर में ज़ीरो ही आएगा। कभी भी आप इस चीज़ को नोटिस कर लीजिएगा। और ये हमारा पंच है, इसको यहाँ से खोल लेते हैं। और जो ये पंच से हमारा जहाँ पर चार्जिंग का पाइप हल्का सा दबा है उसको हम यहाँ से मजबूती देने के लिए वेल्डिंग रॉड से वहाँ पे भी मजबूताई कर देंगे पाइप के ऊपर, जिससे कि वो हिलने डुलने पर टूटे ना। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा पाइप चार्जिंग का, यहाँ पर हमने वेल्डिंग रॉड लगा दी, पूरा सॉलिड हो गया यहाँ पर। अब हम इसका जो पैकिंग कर देते हैं फिर इसके PCB के कवर को आपसे जैसे हमने खोला था वैसे ही लगाएंगे। बाकी तो आपको पता ही है, दो स्क्रू टाइट करने हैं इसके ऊपर और ये सब काम तो आप जब खोलेंगे तो फिर फिट भी आप पर खुद ही कर सकते हैं। तो जैसे हमने कवर खोला था सेम उसी तरीके से इसको फिट कर देंगे। तो इस तरीके से आप LG सिंगल डोर इन्वर्टर फ्रिज में गैस चार्जिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। आप करेंगे तो आपको धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस हो जाएगा काम करने का। तो इस तरीके से आप LG सिंगल डोर इन्वर्टर फ्रिज में गैस रिफिलिंग कर सकते हैं। और जो PCB है, PCB जो सप्लाई देती है कंप्रेसर को, हम जब इसका स्विच ऑन करेंगे तो उसके बाद ये पूरे 7 मिनट लेती है PCB कंप्रेसर को ऑन करने में। कंप्रेसर 7 मिनट तक साइलेंट पड़ा रहता है, 7 मिनट के बाद उसमें हलचल होती है और वो ऑन हो जाता है। तो जब कंप्रेसर ऑन होगा तभी आप इसमें गैस रिफिल कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको इतना ही बताना चाहेंगे। तो बाकी आने वाले समय में हम आपको और भी जानकारी प्रोवाइड करेंगे अच्छी अच्छी, जैसे कि हमारी पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा कि हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉल्ट के ऊपर वीडियो बना रखी है, जो कि टेक्नीशियंस को पता भी नहीं होते कि कैसे निकालने हैं, कैसे ठीक करने हैं। तो बहुत से जो हमारे भाई हैं उनको पता लगता है कि भाई हाँ भाई हमारा फॉल्ट रिमूव हो चुका है सर, हमने ये करा। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे द्वारा दी गई नॉलेज से किसी का काम हुआ। तो यही हमारी आशा रही है हमेशा से। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हमारे वीडियो के द्वारा मिले। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। तो आगे भी आपके लिए हम ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देते रहेंगे। आपको हमारी जानकारी अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक तो बनता ही है इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। बाकी बेल का आइकन, अगर हमें आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल का आइकन प्रेस कर दें और ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिल जाएगा, जिससे कि आप कोई भी वीडियो हमारी मिस नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।